हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2018 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी गोल्ड को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित तो हो सकती हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2018 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी गोल्ड के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन्स इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाए तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस इस मूवी मूवी में में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या तो इस में आप लोगों को यहां पर ड्रामा देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ यहां पर आप लोगों को स्पोर्ट्स देखने को मिलेंगे जो कि काफी अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को अक्षय कुमार देखने को मिलेंगे मोनी रॉय कुणाल कपूर अमित सद विनै के सिंह सनी कौशल एंड निकिता दत्ता आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी रीमा कागती ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम पा लास्ट मूवीज पर नजर डालें तो उनमें आप लोगों को तलाश देखने को मिलेगी गोल्ड और हनीमून जैसी बहुत सारी मूवीज उन्हीं की डायरेक्शन में आप लोगों को देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ ये किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर अवेलेबल है तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा

होनी चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो सारी की सारी आई रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूजर्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो है जी 7.3 आउट ऑफ 10 जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इसे 83 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड कितनी है तो ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया तो उसी के साथ साथ हम बात करते चले स्टोरी लाइन को किसने लिखा है तो इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टोरी लाइन को लिखा है रीमा कागती ने और राजेश देवराज ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा है और उसी के साथ साथ हम बात करें स्क्रीन प्ले की तो रीमा कागती ने ही स्क्रीन प्ले को भी हैंडल किया और उसी के साथ साथ हम बात करते चलें डायलॉग्स की तो राजेश देवराज ने इसके डायलॉग्स को लिखा है प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को रितेश सिद्वानी और फरहान अख्तर देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो अलवारो जो है वो आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे एडिट एडिंग में आप लोगों को आनंद सुबाया देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए तनिष्क बागची और आरकू प्राभू मुखर्जी देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ हम बात करते चलें सॉन्ग्स की एंड बी की तो यहाँ पर आप लोगों को सचिन और जिगर यहाँ पर सॉन्ग्स एंड बी दोनों में ही देखने को मिलेंगे प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को एक्सेल इंटरटेनमेंट देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को डबल ए फिल्म और जी स्टूडियोज इंटरनेशनल देखने को मिल जाएंगे तो ये काफ़ी अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा देखना चाहिए हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2018 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी गोल्ड को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित तो हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित तो हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2018 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी गोल्ड के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन्स इसका जनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाए तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को को मिलेगा क्या तो इस मूवी में आप लोगों को यहां पर ड्रामा देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ यहां पर आप लोगों को स्पोर्ट्स देखने को मिलेंगे जो कि काफी अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को अक्षय कुमार देखने को मिलेंगे मोनी रॉय कुणाल कपूर अमित साध विनैत के सिंह सनी कौशल एंड निकिता दत्ता आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी रीमा कागती ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम पास्ट मूवीज पर नजर डालें तो उनमें आप लोगों को को तलाश देखने को मिलेगी गोल्ड और जैसी बहुत सारी एम को को पर बी रेटिंग क्या है एंड उसी के साथ साथ किस में है। अभी फाइनली ये कहां पर अवेलेबल है तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए तो उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी आई रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी 7.3 पॉइंट थ्री आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इसे 83 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की यहां पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है तो ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया तो उसी के साथ साथ हम बात करते चले स्टोरी लाइन को किसने लिखा है तो इस मूवी की यहां पर जो है वो सारी की सारी स्टोरी लाइन को लिखा है रीमा कागती ने और

जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए तनिष्क बागची और आरकू प्रावू मुखर्जी देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ हम बात करते चलें सॉन्ग्स की एंड बी की तो यहाँ पर आप लोगों को सचिन और जिगर यहाँ पर सॉन्ग्स एंड बी दोनों में ही देखने को मिलेंगे प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को एक्सेल इंटरटेनमेंट देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को डबल ए फिल्म और जी स्टूडियोज इंटरनेशनल देखने को मिल जाएंगे तो ये काफी अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा देखना हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2018 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी गोल्ड को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट साबित तो हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट साबित तो हो सकती है जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित तो हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2018 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी गोल्ड के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ये किस तरह की मूवी बनाई गई मींस इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर ड्रामा देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को स्पोर्ट्स देखने को मिलेंगे जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को अक्षय कुमार देखने को मिलेंगे मौनी रॉय कुणाल कपूर अमित साध विनै के सिंह सनी कौशल एंड निकिता दत्ता आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी रीमा कागती ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम लास्ट मूवीज पर नजर डालें तो उनमें आप लोगों को तलाश देखने को मिलेगी गोल्ड और हनीमून जैसी बहुत सारी मूवीज उन्हीं की डायरेक्शन में आप लोगों को देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते कि इस मूवी की की पर पर जो है है वो सारी की सारी रेटिंग क्या है, एंड उसी के साथ साथ ये किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये पर अवेलेबल है तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया

होनी ही चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी आई रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूजर्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी 7.3 पॉइंट थ्री आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इसे 83 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है तो ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया तो उसी के साथ साथ हम बात करते चले स्टोरी लाइन को किसने लिखा है तो इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टोरी लाइन को लिखा है रीमा कागती ने और

जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए तनिष्क बागची और आरकू प्राभू मुखर्जी देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ हम बात करते चलें सॉन्ग्स की एंड बी की तो यहाँ पर आप लोगों को सचिन और जिगर यहाँ पर सॉन्ग्स एंड बी दोनों में ही देखने को मिलेंगे प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को एक्सेल इंटरटेनमेंट देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को डबल ए फिल्म और जी स्टूडियोज इंटरनेशनल देखने को मिल जाएंगे तो ये काफी अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा देखना हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2018 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी गोल्ड को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित तो हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित तो हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2018 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी गोल्ड के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन्स इसका जनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाए तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या तो इस मूवी में आप लोगों को यहां पर ड्रामा देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ यहां पर आप लोगों को स्पोर्ट्स देखने को मिलेंगे जो कि काफी अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को अक्षय कुमार देखने को मिलेंगे मोनी रॉय कुणाल कपूर अमित साध विनैत के सिंह सनी कौशल एंड निकिता दत्ता आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी रीमा कागती ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन

आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए तो उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी आई एम डी बी रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ़ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो है जी 7.3 पॉइंट थ्री आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इसे 83 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है तो ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया तो उसी के साथ साथ हम बात करते चलें स्टोरी लाइन को किसने लिखा है तो इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टोरी लाइन को लिखा है रीमा कागती ने और

जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए तनिष्क बागची और आरको प्रावू मुखर्जी देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ हम बात करते चलें सॉन्ग्स की एंड बी की तो यहाँ पर आप लोगों को सचिन और जिगर यहाँ पर सॉन्ग्स एंड बी दोनों में ही देखने को मिलेंगे प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को एक्सेल इंटरटेनमेंट देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को डबल ए फिल्म और जी जी स्टूडियोज इंटरनेशनल देखने को मिल जाएंगे तो ये काफी अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एट एक मरतबा देखना हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2018 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी गोल्ड को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट साबित तो हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित तो हो सकती है जस्ट लाइक like यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित तो हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी गोल्ड के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ये किस तरह की मूवी बनाई गई मींस इसका जनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर ड्रामा देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को स्पोर्ट्स देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को अक्षय कुमार देखने को मिलेंगे मौनी रॉय कुणाल कपूर अमित सद विनै के सिंह सनी कौशल एंड निकिता दत्ता आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी रीमा कागती ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम पास मूवीज पर नजर डालें तो उनमें आप लोगों को तलाश देखने को मिलेगी गोल्ड और हनीमून जैसी बहुत सारी मूवीज उन्हीं की डायरेक्शन में आप लोगों को देखने को मिलेंगे सारी सारी क्या है एंड उसी के साथ साथ ये किस लैंग्वेज में बनाई गई है अवेलेबल है तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा किया गया था आप लोग इसे पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए तो उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी आई एम डी बी रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो है जी 7.3 आउट ऑफ 10 जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इसे 83 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है तो ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया तो उसी के साथ साथ हम बात करते चले स्टोरी लाइन को किसने लिखा है तो इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टोरी लाइन को लिखा है रीमा कागती ने और

जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए तनिष्क बागची और आरको प्रावु मुखर्जी देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ हम बात करते चले सॉन्ग्स की एंड बी की तो यहाँ पर आप लोगों को सचिन और जिगर यहाँ पर सॉन्ग्स एंड बी दोनों में ही देखने को मिलेंगे प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को एक्सेल इंटरटेनमेंट देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को डबल ए फिल्म और जी जी स्टूडियोज इंटरनेशनल देखने को मिल जाएंगे तो ये काफी अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा देखना हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2018 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी गोल्ड को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित तो हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पो इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इम्पोर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित तो हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को बात करते हैं साल 2018 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी गोल्ड के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ये किस तरह की मूवी बनाई गई मींस इसका क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाए तो हम हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर ड्रामा देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को स्पोर्ट्स देखने को मिलेंगे जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को अक्षय कुमार देखने को मिलेंगे मोनी रॉय कुणाल कपूर अमित सद विनै के सिंह सनी कौशल एंड निकिता दत्ता आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी रीमा कागती ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम पास्ट मूवीज पर नजर डालें तो उनमें आप लोगों को तलाश देखने को मिलेगी, गोल्ड और जैसी बहुत सारी एम को को पर बी रेटिंग क्या है एंड उसी के साथ साथ ये किस लैंग्वेज में बनाई गई है अवेलेबल है तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था

की इतनी टाइम डोशन तो होनी ही चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो सारी की सारी आई बी रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूजर्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी 7.3 पॉइंट थ्री आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इसे 83 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड कितनी है तो ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया तो उसी के साथ साथ हम बात करते चले स्टोरी लाइन को किसने लिखा है तो इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टोरी लाइन को लिखा है रीमा कागती ने और राजेश देवराज ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा है और उसी के साथ साथ हम बात करें स्क्रीन प्ले की तो रीमा कागती ने ही स्क्रीन प्ले को भी हैंडल किया और उसी के साथ साथ हम बात करते चलें डायलॉग्स की तो राजेश देवराज ने इसके डायलॉग्स को लिखा है प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को रितेश सिद्धवानी और फरहान अख्तर देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो अलवारो जो है वो आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे एडिट एडिंग में आप लोगों को आनंद सुबाया देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए तनिष्क बागची और आरको प्रावू मुखर्जी देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ हम बात करते चले सॉन्ग्स की एंड बी की तो यहाँ पर आप लोगों को सचिन और जिगर यहाँ पर सॉन्ग्स एंड बी दोनों में ही देखने को मिलेंगे प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को एक्सेल इंटरटेनमेंट देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को डबल ए फिल्म्स और जी स्टूडियोज इंटरनेशनल देखने को मिल जाएंगे तो ये काफी अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा देखना दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2018 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी गोल्ड को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट साबित तो हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित तो हो सकती है जस्ट लाइक like यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित तो हो सकती हैं तो वीडियो काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2018 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी गोल्ड के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन्स इसका जनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाए तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को को मिलेगा क्या तो इस मूवी में आप लोगों को यहां पर ड्रामा देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ यहां पर आप लोगों को स्पोर्ट्स देखने को मिलेंगे जो कि काफी अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को अक्षय कुमार देखने को मिलेंगे मोनी रॉय कुणाल कपूर अमित सद विनैत के सिंह सनी कौशल एंड निकिता दत्ता आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी रीमा कागती ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम पास्ट मूवीज पर नजर डालें तो उनमें आप आप लोगों लोगों को 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 तलाश देखने देखने मिलेगी गोल्ड और हनीमून जैसी बहुत सारी मूवीज उन्हीं की डायरेक्शन में क्या है एंड उसी के साथ साथ किस में अभी फाइनली कहां पर अवेलेबल है तो मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था

मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो होनी ही चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी आई रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी 7.3 पॉइंट थ्री आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इसे 83 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है तो ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया तो उसी के साथ साथ हम बात करते चले स्टोरी लाइन को किसने लिखा है तो इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टोरी लाइन को लिखा है रीमा कागती ने और राजेश देवराज ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहां पर सारे के सारी की सारी मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा है और उसी के साथ साथ हम बात करें स्क्रीन प्ले की तो रीमा कागती ने ही स्क्रीन प्ले को भी हैंडल किया और उसी के साथ साथ हम बात करते चलें डायलॉग्स की तो राजेश देवराज ने इसके डायलॉग्स को लिखा है प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को रितेश सिद्वानी और फरहान अख्तर देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो अलवारो जो है वो आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नज़र आएंगे एडिटिंग में आप लोगों को आनंद सुबाया देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है म्यूज़िक डायरेक्शन में आप लोगों को सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए

साल 2018 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी गोल्ड को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित तो हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोट साबित हो सकती है जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित तो हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2018 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी गोल्ड के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ये किस तरह की मूवी बनाई गई मींस इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर ड्रामा देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को स्पोर्ट्स देखने को मिलेंगे जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को अक्षय कुमार देखने को मिलेंगे मौनी रॉय कुणाल कपूर अमित साध विनीत के सिंह सनी कौशल एंड निकिता दत्ता आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी रीमा कागती ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम लास्ट मूवीज पर नजर डालें तो उनमें आप लोगों को तलाश देखने को मिलेगी गोल्ड और हनीमून जैसी बहुत सारी मूवीज उन्हीं की डायरेक्शन में आप लोगों को देखने को मिलेंगे सारी सारी एंड उसी के साथ साथ ये किस लैंग्वेज में बनाई गई है अवेलेबल है तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी घरों में इसे लगा दिया

होनी ही चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो सारी की सारी आई रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूजर्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी 7.3 पॉइंट थ्री आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इसे 83 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डरेशन कितनी है तो ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया तो उसी के साथ साथ हम बात करते चले स्टोरी लाइन को किसने लिखा है तो इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टोरी लाइन को लिखा है रीमा कागती ने और

जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए तनिष्क बागची और आर को प्राभू मुखर्जी देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ हम बात करते चलें सॉन्ग्स की एंड बी की तो यहाँ पर आप लोगों को सचिन और जिगर यहाँ पर सॉन्ग्स एंड बी दोनों में ही देखने को मिलेंगे प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को एक्सेल इंटरटेनमेंट देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को डबल ए फिल्म और जी स्टूडियोज इंटरनेशनल देखने को मिल जाएंगे तो ये काफी अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा देखना हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2018 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी गोल्ड को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित तो हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित तो हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी गोल्ड के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन्स इसका जनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाए तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस इस मूवी मूवी में में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या तो इस में आप लोगों को यहां पर ड्रामा देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ यहां पर आप लोगों को स्पोर्ट्स देखने को मिलेंगे जो कि काफी अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को अक्षय कुमार देखने को मिलेंगे मोनी रॉय कुणाल कपूर अमित सद विनयत के सिंह सनी कौशल एंड निकिता दत्ता आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी रीमा कागती ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम पास्ट मूवीज पर नजर डालें तो उनमें आप लोगों को तलाश देखने को मिलेगी गोल्ड और हनीमून जैसी बहुत सारी मूवीज उन्हीं की डायरेक्शन में आप लोगों को देखने को मिलेंगी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आई रेटिंग क्या है एंड उसी के साथ साथ ये किस लैंग्वेज में बनाई गई है कहाँ पर अवेलेबल है तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी Amazon Prime Video पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मर्तबा डेफिनेटली देखना चाहिए तो उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी आई एम डी बी रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो है जी 7.3 आउट ऑफ 10 जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इसे 83 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डन कितनी है तो ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया तो उसी के साथ साथ हम बात करते चले स्टोरी लाइन को किसने लिखा है तो इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टोरी लाइन को लिखा है रीमा कागती ने और

काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए तनिष्क बागची और आर को प्रावु मुखर्जी देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ हम बात करते चले सॉन्ग्स की एंड बी की तो यहाँ पर आप लोगों को सचिन और जिगर यहाँ पर सॉन्ग्स एंड बी दोनों में ही देखने को मिलेंगे प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को एक्सेल इंटरटेनमेंट देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को डबल ए फिल्म और जी स्टूडियोज इंटरनेशनल देखने को मिल जाएंगे तो ये काफी अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा देखना हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2018 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी गोल्ड को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित तो हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पो इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेश जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इम्पोर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित तो हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2018 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी गोल्ड के बारे में तो सबसे पहले अगर यहां पर हम लोग बात करेंगे ये किस तरह ड्रामेटिकल मूवी है, है? रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाए तो हम हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को को मिलेगा क्या तो इस मूवी में आप लोगों को यहां पर ड्रामा देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को स्पोर्ट्स देखने को मिलेंगे जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को अक्षय कुमार देखने को मिलेंगे मोनी रॉय कुणाल कपूर अमित सद विनैत के सिंह सनी कौशल एंड निकिता दत्ता आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी रीमा कागती ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम पास्ट मूवीज पर नजर डालें तो उनमें आप सारी एम को को पर बी सारी सारी रेटिंग क्या है एंड उसी के साथ साथ ये किस लैंग्वेज में बनाई गई है अभी फाइनली ये कहां पर अवेलेबल है तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था

मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो होनी ही चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी आई रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूजर्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो है जी 7.3 आउट ऑफ 10 जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इसे 83 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड कितनी है तो ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया तो उसी के साथ साथ हम बात करते चले स्टोरी लाइन को किसने लिखा है तो इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टोरी लाइन को लिखा है रीमा कागती ने और

जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए तनिष्क बागची और आर को प्राभू मुखर्जी देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ हम बात करते चलें सॉन्ग्स की एंड बी की तो यहाँ पर आप लोगों को सचिन और जिगर यहाँ पर सॉन्ग्स एंड बी दोनों में ही देखने को मिलेंगे प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को एक्सेल इंटरटेनमेंट देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को डबल ए एम्स और जी स्टूडियोज इंटरनेशनल देखने को मिल जाएंगे तो यह काफी अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा देखना हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2018 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी गोल्ड को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इम्पोर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट साबित तो हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट साबित तो हो सकती है जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित तो हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी गोल्ड के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन्स इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाए तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या तो इस मूवी में आप लोगों को यहां पर ड्रामा देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ यहां पर आप लोगों को स्पोर्ट्स देखने को मिलेंगे जो कि काफी अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को अक्षय कुमार देखने को मिलेंगे मोनी रॉय कुणाल कपूर अमित सद विनै के सिंह सनी कौशल एंड निकिता दत्ता आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी रीमा कागती ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम Movies पर नजर डालें तो उनमें आप लोगों को तलाश देखने को मिलेगी गोल्ड और हनीमून जैसी बहुत सारी मूवीज को देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ ये किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये पर अवेलेबल है तो ये प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया

होनी चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी आई रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूजर्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी 7.3 पॉइंट थ्री आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इसे 83 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की यहां पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है तो ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया तो उसी के साथ साथ हम बात करते चले स्टोरी लाइन को किसने लिखा है तो इस मूवी की यहां पर जो है वो सारी की सारी स्टोरी लाइन को लिखा है रीमा कागती ने और राजेश देवराज ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहां पर सारे के सारी की सारी मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा है और उसी के साथ साथ हम बात करें स्क्रीन प्ले की तो रीमा कागती ने ही स्क्रीन प्ले को भी हैंडल किया और उसी के साथ साथ हम बात करते चलें डायलॉग्स की तो राजेश देवराज ने इसके डायलॉग्स को लिखा है प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को रितेश सिद्वानी और फरहान अख्तर देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो अलवारो जो है वो आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नज़र आएंगे एडिटिंग में आप लोगों को आनंद सुबाया देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है म्यूज़िक डायरेक्शन में आप लोगों को सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए

साल 2018 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी गोल्ड को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित तो हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉ टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट साबित तो हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2018 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी गोल्ड के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन इसका जनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाए तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को को मिलेगा क्या तो इस मूवी में आप लोगों को यहां पर ड्रामा देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ यहां पर आप लोगों को स्पोर्ट्स देखने को मिलेंगे जो कि काफी अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को अक्षय कुमार देखने को मिलेंगे मोनी रॉय कुणाल कपूर अमित सद विनै के सिंह सनी कौशल एंड निकिता दत्ता आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी रीमा कागती ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम लास्ट मूवीज पर नजर डालें तो उनमें आप लोगों को तलाश देखने को मिलेगी गोल्ड और हनीमून जैसी बहुत सारी मूवीज उन्हीं की डायरेक्शन में आप लोगों को देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते कि इस मूवी की की पर पर जो है है वो सारी की सारी रेटिंग क्या है, एंड उसी के साथ साथ ये किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर अवेलेबल है तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया

होनी ही चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो सारी की सारी आई रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूजर्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी 7.3 पॉइंट थ्री आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इसे 83 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की यहां पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है तो ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया तो उसी के साथ साथ हम बात करते चले स्टोरी लाइन को किसने लिखा है तो इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टोरी लाइन को लिखा है रीमा कागती ने और

जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए तनिष्क बागची और आरकू प्राभू मुखर्जी देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ हम बात करते चलें सॉन्ग्स की एंड बी की तो यहाँ पर आप लोगों को सचिन और जिगर यहाँ पर सॉन्ग्स एंड बी दोनों में ही देखने को मिलेंगे प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को एक्सेल इंटरटेनमेंट देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को डबल ए फिल्म और जी स्टूडियोज इंटरनेशनल देखने को मिल जाएंगे तो ये काफी अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा देखना हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2018 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी गोल्ड को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित तो हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा साबित हो सकती है जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित तो हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2018 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी गोल्ड के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन्स इसका जनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाए तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या तो इस मूवी में आप लोगों को यहां पर ड्रामा देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ यहां पर आप लोगों को स्पोर्ट्स देखने को मिलेंगे जो कि काफी अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को अक्षय कुमार देखने को मिलेंगे मोनी रॉय कुणाल कपूर अमित साध विनै के सिंह सनी कौशल एंड निकिता दत्ता आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी रीमा कागती ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम पास्ट मूवीज पर नजर डालें तो उनमें आप लोगों को तलाश देखने को मिलेगी गोल्ड और हनीमून जैसी बहुत सारी मूवीज उन्हीं की डायरेक्शन में आप लोगों को देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आई रेटिंग क्या है एंड उसी के साथ साथ किस ये किस लैंग्वेज में बनाई गई है कहाँ पर अवेलेबल है तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए तो उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी आई एम डी बी रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो है जी 7.3 पॉइंट थ्री आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इसे 83 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है तो ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया तो उसी के साथ साथ हम बात करते चलें स्टोरी लाइन को किसने लिखा है तो इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टोरी लाइन को लिखा है रीमा कागती ने और

जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए तनिष्क बागची और आरको प्रावू मुखर्जी देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ हम बात करते चलें सॉन्ग्स की एंड बी की तो यहाँ पर आप लोगों को सचिन और जिगर यहाँ पर सॉन्ग्स एंड बी दोनों में ही देखने को मिलेंगे प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को एक्सेल इंटरटेनमेंट देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को डबल ए फिल्म और जी स्टूडियोज इंटरनेशनल देखने को मिल जाएंगे तो यह काफी अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा देखना हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2018 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी गोल्ड को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट साबित तो हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित तो हो सकती है जस्ट लाइक like यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित तो हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल दो में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी गोल्ड के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन्स इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाए तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस इस मूवी मूवी में में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या तो इस में आप लोगों को यहां पर ड्रामा देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ यहां पर आप लोगों को स्पोर्ट्स देखने को मिलेंगे जो कि काफी अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को अक्षय कुमार देखने को मिलेंगे मोनी रॉय कुणाल कपूर अमित सद विनै के सिंह सनी कौशल एंड निकिता दत्ता आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी रीमा कागती ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम मूवीज पर नजर डालें तो उनमें आप लोगों को तलाश देखने को मिलेगी गोल्ड और हनीमून जैसी बहुत सारी मूवीज उन्हीं की डायरेक्शन में आप लोगों को देखने को मिलेंगे सारी सारी क्या है एंड उसी के साथ साथ ये किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये पर अवेलेबल है तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा

होनी चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो सारी की सारी आई बी रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूजर्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो है जी 7.3 आउट ऑफ 10 जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इसे 83 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है तो ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया तो उसी के साथ साथ हम बात करते चले स्टोरी लाइन को किसने लिखा है तो इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टोरी लाइन को लिखा है रीमा कागती ने और

जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए तनिष्क बागची और आरको प्रावु मुखर्जी देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ हम बात करते चले सॉन्ग्स की एंड बी की तो यहाँ पर आप लोगों को सचिन और जिगर यहाँ पर सॉन्ग्स एंड बी दोनों में ही देखने को मिलेंगे प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को एक्सेल इंटरटेनमेंट देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को डबल ए फिल्म और जी जी स्टूडियोज इंटरनेशनल देखने को मिल जाएंगे तो ये काफी अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा देखना हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2018 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी गोल्ड को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित तो हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पो इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेश शन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इम्पोर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट साबित तो हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2018 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी गोल्ड के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ये किस तरह ड्रामेटिकल मूवी है, है? रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाए तो हम हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा मिलेगा क्या तो इस मूवी में आप आप लोगों लोगों को 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 पर पर ड्रामा देखने देखने एंड उसी के साथ साथ स्पोर्ट्स मिलेंगे जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को अक्षय कुमार देखने को मिलेंगे मोनी रॉय कुणाल कपूर अमित सद विनै के सिंह सनी कौशल एंड निकिता दत्ता आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी रीमा कागती ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम पास्ट मूवीज पर नजर डालें तो उनमें आप लोगों को तलाश देखने को मिलेगी, गोल्ड और जैसी बहुत सारी एम को को पर बी रेटिंग क्या है एंड उसी के साथ साथ किस ये किस लैंग्वेज में बनाई गई है तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए तो उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी आई एम डी बी रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी 7.3 पॉइंट थ्री आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इसे 83 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है तो ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया तो उसी के साथ साथ हम बात करते चले स्टोरी लाइन को किसने लिखा है तो इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टोरी लाइन को लिखा है रीमा कागती ने और

जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए तनिष्क बागची और आर को प्रावू मुखर्जी देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ हम बात करते चलें सॉन्ग्स की एंड बी की तो यहाँ पर आप लोगों को सचिन और जिगर यहाँ पर सॉन्ग्स एंड बी दोनों में ही देखने को मिलेंगे प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को एक्सेल इंटरटेनमेंट देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को डबल ए फिल्म और जी जीस स्टूडियोज इंटरनेशनल देखने को मिल जाएंगे तो ये काफी अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एट एक मरतबा देखना हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2018 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी गोल्ड को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा साबित तो हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉमेसन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा साबित तो हो सकती है जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित तो हो सकती हैं तो वीडियो काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2018 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी गोल्ड के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन्स इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाए तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को को मिलेगा क्या तो इस मूवी में आप लोगों को यहां पर ड्रामा देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ यहां पर आप लोगों को स्पोर्ट्स देखने को मिलेंगे जो कि काफी अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को अक्षय कुमार देखने को मिलेंगे मोनी रॉय कुणाल कपूर अमित सद विनै के सिंह सनी कौशल एंड निकिता दत्ता आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी रीमा कागती ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम पर नजर डालें तो उनमें आप लोगों को तलाश देखने को मिलेगी गोल्ड और हनीमून जैसी बहुत सारी मूवीज लोगों को देखने को मिलेंगे साथ साथ सारी सारी एंड उसी के साथ साथ ये किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये पर अवेलेबल है तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मर्तबा डेफिनेटली देखना चाहिए तो उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी आई रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी 7.3 पॉइंट थ्री आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इसे 83 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है तो ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया तो उसी के साथ साथ हम बात करते चले स्टोरी लाइन को किसने लिखा है तो इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टोरी लाइन को लिखा है रीमा कागती ने और राजेश देवराज ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहां पर सारे के सारी की सारी मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा है और उसी के साथ साथ हम बात करें स्क्रीन प्ले की तो रीमा कागती ने ही स्क्रीन प्ले को भी हैंडल किया और उसी के साथ साथ हम बात करते चलें डायलॉग्स की तो राजेश देवराज ने इसके डायलॉग्स को लिखा है प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को रितेश सिद्वानी और फरहान अख्तर देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो अलवारो जो है वो आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नज़र आएंगे एडिटिंग में आप लोगों को आनंद सुबाया देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है म्यूज़िक डायरेक्शन में आप लोगों को सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए

साल 2018 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी गोल्ड को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित तो हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोट टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा साबित तो हो सकती हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2018 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी गोल्ड के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन्स इसका जनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाए तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या तो इस मूवी में आप लोगों को यहां पर ड्रामा देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ यहां पर आप लोगों को स्पोर्ट्स देखने को मिलेंगे जो कि काफी अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को अक्षय कुमार देखने को मिलेंगे मोनी रॉय कुणाल कपूर अमित साध विनैत के सिंह सनी कौशल एंड निकिता दत्ता आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी रीमा कागती ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन

मूवी की इतनी टाइम डरेक्शन तो होनी ही चाहिए लेकिन उसी के साथ-साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो सारी की सारी आईएमडीबी रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूजर्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी सेवन आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इसे एटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है तो ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया तो उसी के साथ साथ हम बात करते चलें स्टोरी लाइन को किसने लिखा है तो इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टोरी लाइन को लिखा है रीमा कागती ने और राजेश देवराज ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा है और उसी के साथ साथ हम बात करें स्क्रीन प्ले की तो रीमा कागती ने ही स्क्रीन प्ले को भी हैंडल किया और उसी के साथ साथ हम बात करते चलें डायलॉग्स की तो राजेश देवराज ने इसके डायलॉग्स को लिखा है प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को रितेश सिद्धवानी और फरहान अख्तर देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो अलवारो जो है वो आप लोगों को इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे एडिटिंग में आप लोगों को आनंद सुबाया देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए तनिष्क बागची और आरकू प्राभू मुखर्जी देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ हम बात करते चले सॉन्ग्स की एंड बी की तो यहाँ पर आप लोगों को सचिन और जिगर यहां पर सॉन्ग्स एंड बी दोनों में ही देखने को मिलेंगे प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को एक्सेल इंटरटेनमेंट देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को डबल ए एम और जी स्टूडियोज इंटरनेशनल देखने को मिल जाएंगे तो ये काफ़ी अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा देखना हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2018 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी गोल्ड को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित तो हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित तो हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी गोल्ड के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन्स इसका जनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाए तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस इस मूवी मूवी में में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या तो इस में आप लोगों को यहां पर ड्रामा देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ यहां पर आप लोगों को स्पोर्ट्स देखने को मिलेंगे जो कि काफी अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को अक्षय कुमार देखने को मिलेंगे मोनी रॉय कुणाल कपूर अमित साध विनयत के सिंह सनी कौशल एंड निकिता दत्ता आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी रीमा कागती ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम पास्ट मूवीज पर नजर डालें तो उनमें आप लोगों को तलाश देखने को मिलेगी गोल्ड और हनीमून जैसी बहुत सारी मूवीज उन्हीं की डायरेक्शन में आप लोगों को देखने को मिलेंगी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आई रेटिंग क्या है एंड उसी के साथ साथ ये किस लैंग्वेज में बनाई गई है अवेलेबल है तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए तो उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी आई एम डी बी रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो है जी 7.3 आउट ऑफ 10 जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इसे 83 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डन कितनी है तो ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया तो उसी के साथ साथ हम बात करते चलें स्टोरी लाइन को किसने लिखा है तो इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टोरी लाइन को लिखा है रीमा कागती ने और

जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए तनिष्क बागची और आरकू प्राभू मुखर्जी देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ हम बात करते चलें सॉन्ग्स की एंड बी की तो यहाँ पर आप लोगों को सचिन और जिगर यहाँ पर सॉन्ग्स एंड बी दोनों में ही देखने को मिलेंगे प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को एक्सेल इंटरटेनमेंट देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को डबल ए इम्स और जी स्टूडियोज इंटरनेशनल देखने को मिल जाएंगे तो ये काफी अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा देखना हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2018 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी गोल्ड को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित तो हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पो इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित तो हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को बात करते हैं साल 2018 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी तो क्या, क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर ड्रामा देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को स्पोर्ट्स देखने को मिलेंगे जो कि काफी अच्छे तरीके से यहां पर प्रजेंट किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को अक्षय कुमार देखने को मिलेंगे मोनी Bye. कुणाल कपूर अमित सद विनैत के सिंह सनी कौशल एंड निकिता दत्ता आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी रीमा कागती ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम पास्ट मूवीज पर नजर डालें तो उनमें आप लोगों को तलाश देखने को मिलेगी गोल्ड और जैसी बहुत सारी एम को को पर बी सारी सारी रेटिंग क्या है एंड उसी के साथ साथ ये किस लैंग्वेज में बनाई गई है अभी फाइनली ये कहां पर अवेलेबल है तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए तो उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी आई एम डी बी रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो है जी 7.3 आउट ऑफ 10 जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इसे 83 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड कितनी है तो ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया तो उसी के साथ साथ हम बात करते चले स्टोरी लाइन को किसने लिखा है तो इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टोरी लाइन को लिखा है रीमा कागती ने और

जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए तनिष्क बागची और आर को प्राभू मुखर्जी देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ हम बात करते चलें सॉन्ग्स की एंड बी की तो यहाँ पर आप लोगों को सचिन और जिगर यहाँ पर सॉन्ग्स एंड बी दोनों में ही देखने को मिलेंगे प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को एक्सेल इंटरटेनमेंट देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को डबल ए एम्स और जी स्टूडियोज इंटरनेशनल देखने को मिल जाएंगे तो ये काफी अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एट एक मरतबा देखना हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2018 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी गोल्ड को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट साबित तो हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट साबित तो हो सकती है जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित तो हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2018 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी गोल्ड के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन्स इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाए तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या तो इस मूवी में आप लोगों को यहां पर ड्रामा देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ यहां पर आप लोगों को स्पोर्ट्स देखने को मिलेंगे जो कि काफी अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को अक्षय कुमार देखने को मिलेंगे मोनी रॉय कुणाल कपूर अमित सद विनै के सिंह सनी कौशल एंड निकिता दत्ता आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी रीमा कागती ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम Movies पर नजर डालें तो उनमें आप लोगों को तलाश देखने को मिलेगी गोल्ड और हनीमून जैसी बहुत सारी मूवीज को देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ ये किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर अवेलेबल है तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मर्तबा डेफिनेटली देखना चाहिए तो उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी आई रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी 7.3 पॉइंट थ्री आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इसे 83 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की यहां पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है तो ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया तो उसी के साथ साथ हम बात करते चले स्टोरी लाइन को किसने लिखा है तो इस मूवी की यहां पर जो है वो सारी की सारी स्टोरी लाइन को लिखा है रीमा कागती ने और

जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए तनिष्क बागची और आरकू प्रावू मुखर्जी देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ हम बात करते चलें सॉन्ग्स की एंड बी की तो यहाँ पर आप लोगों को सचिन और जिगर यहाँ पर सॉन्ग्स एंड बी दोनों में ही देखने को मिलेंगे प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को एक्सेल इंटरटेनमेंट देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को डबल ए फिल्म और जी स्टूडियोज इंटरनेशनल देखने को मिल जाएंगे तो ये काफी अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा देखना हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2018 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी गोल्ड को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित तो हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉ साबित हो सकती है जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इम्पोर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित तो हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2018 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी गोल्ड के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, ये किस तरह ड्रामेटिकल मूवी है, है? रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो, वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाए तो हम हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर ड्रामा देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को स्पोर्ट्स देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को अक्षय कुमार देखने को मिलेंगे मोनी रॉय कुणाल कपूर अमित सद विनैत के सिंह सनी कौशल एंड निकिता दत्ता आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी रीमा कागती ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम पास्ट मूवीज पर नजर डालें तो उनमें आप लोगों को को तलाश देखने को मिलेगी गोल्ड और हनीमून जैसी बहुत सारी मूवीज उन्हीं की, को को की, सारी की सारी एम पर बी रेटिंग क्या है एंड उसी के साथ साथ ये किस में है। अभी फाइनली ये कहां पर अवेलेबल है तो ये एक प्योर हिंदी की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में ही रिलीज भी कर दिया गया था

मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो होनी ही चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी आई रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी 7.3 पॉइंट थ्री आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इसे 83 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है तो ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया तो उसी के साथ साथ हम बात करते चलें स्टोरी लाइन को किसने लिखा है तो इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टोरी लाइन को लिखा है रीमा कागती ने और राजेश देवराज ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा है और उसी के साथ साथ हम बात करें स्क्रीन प्ले की तो रीमा कागती ने ही स्क्रीन प्ले को भी हैंडल किया और उसी के साथ साथ हम बात करते चलें डायलॉग्स की तो राजेश देवराज ने इसके डायलॉग्स को लिखा है प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को रितेश सिद्धवानी और फरहान अख्तर देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो अलवारो जो है वो आप लोगों को इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे एडिटिंग में आप लोगों को आनंद सुबाया देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए तनिष्क बागची और आरकू प्राभू मुखर्जी देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ हम बात करते चले सॉन्ग्स की एंड बी की तो यहाँ पर आप लोगों को सचिन और जिगर यहां पर सॉन्ग्स एंड बी दोनों में ही देखने को मिलेंगे प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को एक्सेल इंटरटेनमेंट देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को डबल ए एम और जी स्टूडियोज इंटरनेशनल देखने को मिल जाएंगे तो ये काफी अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एट एक मरतबा देखना हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2018 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी गोल्ड को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इम्पोर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट साबित तो हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित तो हो सकती है जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित तो हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2018 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी गोल्ड के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन्स इसका जनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है, हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाए तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या तो इस मूवी में आप लोगों को यहां पर ड्रामा देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ यहां पर आप लोगों को स्पोर्ट्स देखने को मिलेंगे जो कि काफी अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को अक्षय कुमार देखने को मिलेंगे मौनी रॉय कुणाल कपूर अमित सद विनै के सिंह सनी कौशल एंड निकिता दत्ता आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी रीमा कागती ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम मूवीज़ पर नजर डालें तो उनमें आप लोगों को तलाश देखने को मिलेगी गोल्ड और हनीमून जैसी बहुत सारी मूवीज उन्हीं की डायरेक्शन में आप लोगों को देखने को मिलेंगे सारी सारी एंड उसी के साथ साथ किस ये किस लैंग्वेज में बनाई गई है अवेलेबल है तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए तो उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी आई एम डी बी रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ़ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो है जी 7.3 पॉइंट थ्री आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इसे 83 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है तो ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया तो उसी के साथ साथ हम बात करते चले स्टोरी लाइन को किसने लिखा है तो इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टोरी लाइन को लिखा है रीमा कागती ने और राजेश देवराज ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहां पर सारे के सारी की सारी मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा है और उसी के साथ साथ हम बात करें स्क्रीन प्ले की तो रीमा कागती ने ही स्क्रीन प्ले को भी हैंडल किया और उसी के साथ साथ हम बात करते चलें डायलॉग्स की तो राजेश देवराज ने इसके डायलॉग्स को लिखा है प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को रितेश सिद्वानी और फरहान अख्तर देखने को मिलेंगे सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो अलवारो जो है वो आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नज़र आएंगे एडिटिंग में आप लोगों को आनंद सुबाया देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए

साल 2018 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी गोल्ड को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट साबित तो हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित तो हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2018 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी गोल्ड के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ये किस तरह की मूवी बनाई गई मींस इसका जनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर ड्रामा देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को स्पोर्ट्स देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को अक्षय कुमार देखने को मिलेंगे मोनी रॉय कुणाल कपूर अमित साध विनै के सिंह सनी कौशल एंड निकिता दत्ता आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी रीमा कागती ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम मूवीज पर नजर डालें तो उनमें आप लोगों को तलाश देखने को मिलेगी गोल्ड और हनीमून जैसी बहुत सारी मूवीज उन्हीं की डायरेक्शन में आप लोगों को देखने को मिलेंगे सारी सारी क्या है एंड उसी के साथ साथ ये किस लैंग्वेज में बनाई गई है अवेलेबल है तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा

होनी चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो सारी की सारी आई बी रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूजर्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो है जी 7.3 आउट ऑफ 10 जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इसे 83 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है तो ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया तो उसी के साथ साथ हम बात करते चले स्टोरी लाइन को किसने लिखा है तो इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टोरी लाइन को लिखा है रीमा कागती ने और

जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए तनिष्क बागची और आरको प्रावू मुखर्जी देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ हम बात करते चलें सॉन्ग्स की एंड बी की तो यहाँ पर आप लोगों को सचिन और जिगर यहाँ पर सॉन्ग्स एंड बी दोनों में ही देखने को मिलेंगे प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को एक्सेल इंटरटेनमेंट देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को डबल ए फिल्म और जी स्टूडियोज इंटरनेशनल देखने को मिल जाएंगे तो ये काफी अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा देखना हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2018 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी गोल्ड को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित तो हो सकती हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पो इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित तो हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल दो में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी गोल्ड के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ये किस तरह की मूवी बनाई गई मींस इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाए तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को को मिलेगा क्या तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर ड्रामा देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ यहां पर आप लोगों को स्पोर्ट्स देखने को मिलेंगे जो कि काफी अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को अक्षय कुमार देखने को मिलेंगे मोनी रॉय कुणाल कपूर अमित सद विनै के सिंह सनी कौशल एंड निकिता दत्ता आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी रीमा कागती ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जिनकी अगर हम पास्ट मूवीज पर नजर डालें तो उनमें आप लोगों को तलाश देखने को मिलेगी, गोल्ड और जैसी बहुत सारी एम को को पर बी रेटिंग क्या है एंड उसी के साथ साथ किस ये किस लैंग्वेज में बनाई गई है तो ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए तो उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी आई एम डी बी रेटिंग क्या है एंड गूगल के यूज़र्स की तरफ से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी 7.3 पॉइंट थ्री आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इसे 83 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है तो ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया तो उसी के साथ साथ हम बात करते चले स्टोरी लाइन को किसने लिखा है तो इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्टोरी लाइन को लिखा है रीमा कागती ने और

जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए तनिष्क बागची और आर को प्रावू मुखर्जी देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ हम बात करते चलें सॉन्ग्स की एंड बी की तो यहाँ पर आप लोगों को सचिन और जिगर यहाँ पर सॉन्ग्स एंड बी दोनों में ही देखने को मिलेंगे प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को एक्सेल इंटरटेनमेंट देखने को मिलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को डबल ए फिल्म और जी स्टूडियोज इंटरनेशनल देखने को मिल जाएंगे तो यह काफी अच्छी मूवी बनाई गई है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा देखना